हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है कर रहे हैं। हमने अभी तक 4 लेक्चर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 5वां लेक्चर है। हम जो है हर लेक्चर में जो है कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम जो है मिनिमम टाइम में हम सो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। और हम जो है जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन रहे हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वैरायटी का क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर हो सके और उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिया जाए विद कॉन्सेप्ट कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही मेथड क्या है। तो उसी सीरीज में आज का हमारा लेक्चर जो है कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम आज जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4x5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ही देन कॉल्स इन बी एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, हाउ लॉन्ग बी अलोन विल टेक टू डू होल वर्क। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हमारा पर्सन ए है, लेट ए एंड बी डिनोट एफिशिएंसी ऑफ पर्सन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अगर आप ये पूरी मेथडोलॉजी समझ जाएंगे तो आपको जो है एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है हमें, जो पर्सन ए है वो 4x5 ऑफ वर्क, अगर टोटल वर्क 1 यूनिट हम सपोज करते हैं, टोटल वर्क हम कितना ले रहे हैं, मान लेते हैं 1 यूनिट। तो यहाँ पे जो 1 का 4x5 है वो 20 डेज में ए कर रहा है, तो ए का पर डे वर्क कितना हो जाएगा, 4x5 / 20, ये कितना हो जाएगा हमारा 1/25 यूनिट पर डे जो है हमारा ए पर्सन की क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क आप क्या लिखेंगे, टोटल वर्क माइनस वर्क डन बाय ए, तो 1 माइनस हमारा जो पर्सन ए है कितना वर्क कर रहा है, 4x5, तो हमारा ये कितना हो गया, 1/5 यूनिट वर्क जो है हमारा क्या है, बचा है। जो 1/5 यूनिट वर्क बचा है ये पर्सन ए एंड पर्सन बी जो है मिलके 3 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर हम एफिशिएंसी लिखें पर्सन ए प्लस पर्सन बी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/25 + b यूनिट पर डे, ये हमारा पर्सन ए एंड पर्सन बी की टोटल एफिशिएंसी है। इंटू 3 अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 यूनिट के इक्वल होगा, क्योंकि 3 दिनों में जो है 1/5 यूनिट पर्सन ए एंड पर्सन बी के द्वारा किया जा रहा है। क्या लिख सकते हैं, 1+25b / 25 = 1/15, 1+25b = 25/15, यहाँ से क्या हो गया, 5 25 5 15, ये 3+75b = 5, तो यहाँ से आपका b कितना आ जाएगा, 2/75 यूनिट पर डे। और हमको बताना है कि पर्सन b अगर एलोन इस वर्क को करेगा तो कितने टाइम में करेगा। तो टाइम टेकन बाय b टू कंप्लीट द वर्क, एंटायर वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क विच इज इक्वल टू 1 यूनिट डिवाइडेड बाई एफिशियंसी ऑफ बी विच इज 2/75 इज इक्वल टू 75/2 डेज। तो हमारा पर्सन जो बी है वो 75/2 डेज में टोटल वर्क क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको ऑप्शन 1 जो है टिक करना है। क्वेश्चन 2, इफ 28 मैन कंप्लीट 7x8 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन अ वीक, देन द नंबर ऑफ मैन हु मस्ट बी इंगेज टू गेट दी रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन अनदर वीक। हमारे जो 28 मैन हैं वो 7x8 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन अ वीक में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर हम क्या लिखेंगे, 28 मैन की एफिशियंसी लिखें तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय 28 मैन इन 7 डेज, तो ये क्या हो जाएगा, 7x8 वर्क हो जाएगा डिवाइड बाय टाइम कितना लिया जा रहा है इनके पास, इनके द्वारा 7 डेज, ये कितना हो जाएगा, 1/8 यूनिट पर डे। तो अगर एक मैन की एफिशिएंसी हम लिखे तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/28 × 8 यूनिट पर डे बाय पर मैन।
ये हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी एक मेन की। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ मेन जो है हमें और इंगेज करना है ताकि जो रिमेनिंग वर्क है हमारा 7 वीक में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन हु मस्ट बी इंगेज टू गेट द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन अनदर वीक। तो जो एक्स मैन है, एक्स मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू एम विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन 28 इंटू 8 यूनिट पर डे। तो हमारा वर्क जो है 7 डे में क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो 7 डे में कितना वर्क होगा, 7 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 28 इंटू 8। ये वर्क हमारा जो है एक्स मैन के द्वारा 7 डे में किया जाएगा। और ये वर्क कितने के इक्वल होना चाहिए, जितना रिमेनिंग वर्क हमारा बच रहा है। और रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है, यहाँ से हमने टोटल वर्क कितना लिया है, 1 यूनिट। तो हमारा जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 7 अपॉन 8, क्योंकि 7/8 जो है वर्क ऑलरेडी हो चुका है। तो 1/8 यूनिट हमारा वर्क क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ वर्क है। तो यहाँ पे ये जो 7 डे में एक्समेंट वर्क कर रहे हैं, ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 1/8 यूनिट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू की निकाल लेंगे तो ये क्या आएगा, 28 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 से 28, 4 जा 28, तो हमारा 4। एक्स इज इक्वल टू 4 मैन, इट मीन्स दैट 4 पर्सन मस्ट बी एंगेज टू गेट द रिमेनिंग वर्क कम्प्लीटेड इन अनदर 7 डेज। अगर ये 4 पर्सन जो है वर्क में एंगेज कर दिए जाते हैं एक 1 वीक के बाद, जो हमारा रिमेनिंग 1/8 यूनिट वर्क बचा है वो 1 वीक में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है 3rd जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है और खुद से करना है। क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज एंड एम्प्लॉयड 60 मैन ऑन इट। आफ्टर 60 डेज ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। हाउ मेनी मैन कैन ही डिस्चार्ज सो दैट द प्रोजेक्ट मे बी कंप्लीटेड एग्जैक्टली ऑन टाइम। एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कोई प्रोजेक्ट लिया कि हाँ भाई मैं 90 दिन में जो है टोटल वर्क को क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। और इसके लिए उसने 60 आदमी को जो है काम पे रख लिया, और 60 दिन बाद उसने क्या पाया कि जो 3/4 वर्क है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। तो वो चाह रहा है भाई कि कुछ आदमी को क्या करे, वो डिस्चार्ज कर दे ताकि उसका क्या है जो पैसा है वो बच जाए। और वो उतने नंबर ऑफ आदमी को डिस्चार्ज करना चाहता है ताकि उसका जो वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो, ऐसा ना हो कि टाइम से जो है पहले या बाद में कंप्लीट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3/4 जो वर्क है हमारा, 3/4 वर्क कंप्लीटेड इन 60 डेज बाई 60 मैन। तो अगर हम 60 मैन की एफिशिएंसी लिखें तो क्या हो जाएगा, 60 मैन एफिशिएंसी ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय 60 मैन इन 60 डेज डिवाइड बाय 60, जितना टाइम है। तो 60 डे में कितना वर्क कर रहे हैं 60 मैन, 3/4, और नंबर ऑफ डेज कितना है 60, ये कितना हो जाएगा आपका, 1/80 यूनिट पर डे। और अगर 1 मैन की एफिशिएंसी आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/80 × 60 यूनिट पर डे बाई पर मैन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एफिशिएंसी पर मैन की। अभी 3/4 वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है हमारे पास, रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क हमारा 1 यूनिट है, तो 1 माइनस 3/4 ये कितना हो जाएगा, 1/4 यूनिट जो है हमारा वर्क रिमेनिंग बच गया है। अभी जो ये रिमेनिंग वर्क बचा है इसे जो है हमें कितने दिन में कंप्लीट करना है, 30 डे में, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट हमारा 90 डे का है और 60 डे ऑलरेडी क्या हो गया है, बीत चुका है। और 30 डे में हमें ये 1/4 यूनिट वर्क क्या है, कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, लेट कॉन्ट्रैक्टर शुड डिस्चार्ज एक्स मैन,
हम ऐसा सपोज करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो है एक्स मैन को अगर डिस्चार्ज कर देगा तो उसका वर्क जो है टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना वर्क फोर्स बचा कॉन्ट्रैक्टर के पास? 60 माइनस एक्स जो है मैन उसके पास क्या है बचे, और 60 माइनस एक्स मैन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/80 × 60, ये जो है वर्क फोर्स हो जाएगा। और हमको वर्क कितना, ये टोटल क्या हो गया? ये टोटल हमारा हो गया 60 माइनस एक्स मैन की एफिशिएंसी यूनिट पर डे, और ये जो वर्क है 1/4 ये 30 डे में कंप्लीट करना है हमें। तो अगर हम इधर 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितने के इक्वल होना चाहिए? 1/4 यूनिट के इक्वल होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 60 माइनस एक्स इंटू 30 इज इक्वल टू 80 × 60 डिवाइडेड बाई 4। 4 2 जा 8, 0, 32 जा 60, तो यहाँ से हमारा राइट हैंड साइड 40 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 60 माइनस एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 20। इट मीन्स दैट इफ द कॉन्ट्रैक्टर डिस्चार्ज 20 मैन फ्रॉम द वर्क, देन हिज वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम 90 डेज। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन जो है 2007 में जो है SSC CGL के प्रीलिम्स एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन है, पी कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज, क्यू कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज, आर कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज, एंड यस 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज। हु विल बी एबल टू कम्प्लीट दी वर्क फर्स्ट? यहाँ पे जिस वर्क की बात की गई है वो हर केस में क्या है? सेम वर्क है, और जो पर्सन है हमारे पी क्यू आर एंड एस वो डिफरेंट टाइम में इस वर्क को कम्प्लीट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि वह कौन सा पर्सन है जो इस कार्य को क्या है सबसे पहले कम्प्लीट करेगा। तो सबसे पहले कम्प्लीट करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? एफिशियंसी। तो हम क्या करेंगे? हम हर पर्सन का एफिशियंसी लिखेंगे। पी का हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1/4 / 10, तो ये हमारा 1/40 यूनिट पर डे। क्यू हमारा क्या हो जाएगा? क्यू का एफिशिएंसी 40% ऑफ द सेम वर्क, यानी 2/5। 40% को आप क्या लिख सकते हैं? 2/5, तो 2/5 / 15, तो ये हमारा क्या हो गया? 2/75 यूनिट पर डे। आर हमारा क्या हो गया? आर हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ द वर्क इन 30 डेज, तो वर्क कंप्लीटेड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो वर्क हमारा 1/3 कंप्लीट कर रहा है 13 डे में, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/39 यूनिट पर डे। एस की एफिशिएंसी हम क्या लिखेंगे? 1/6 / 7 डेज, तो ये हमारा 1/42 यूनिट पर डे। हमारा टोटल वर्क कितना है? 1 यूनिट। तो हमारा जो पी के द्वारा टाइम लिया जाएगा वर्क को कंप्लीट करने में वो कितना हो जाएगा? टाइम टेकन बाय पी टू कंप्लीट द एंटायर वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क विच इज 1 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ पी विच इज 1/40, तो ये हमारा हो जाएगा 40 डेज। सिमिलरली टी क्यू का हम क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय क्यू 1/2/75, ये कितना हो जाएगा? 75 / 2 डेज। टी आर क्या हो जाएगा? 1/1/39, ये हमारा हो गया 39 डेज। टी एस क्या हो जाएगा हमारा? 1/1/42, तो ये हमारा हो गया 42 डेज। तो यहाँ से आपको टाइम मिल गया है कि पी क्यू आर एंड एस वर्क कितना टाइम ले रहे हैं वर्क कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे हम इसको जो है असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है टाइम को क्या करेंगे? पर्सन के द्वारा लिए गए टाइम को अरेंज करेंगे। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? टी एस ग्रेटर देन टी पी ग्रेटर देन टी आर ग्रेटर देन टी क्यू। तो हमारा जो पर्सन क्यू है वो सबसे कम टाइम में जो है वर्क क्या कर ले रहा है? कंप्लीट कर ले रहा है। वर्क हमारा कितना होगा? 37.5 डेज, मीन्स 37.5 डेज में जो है वर्क कंप्लीट कर ले रहा है। तो हमारा जो पर्सन क्यू है वर्क को क्या करेगा? सबसे पहले कंप्लीट करेगा।
तो पर्सन क्यू वर्क अगर पहले कंप्लीट कर रहा है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि पर्सन क्यू का जो एफिशिएंसी है वो क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, पी क्यू आर से जो है पर्सन क्यू का एफिशिएंसी अधिक है। क्वेश्चन 5 हमारा है, ए कैन डू 1.5 एज मच ऑफ वर्क विच बी कैन डू इन 1 डे, बी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, दे टुगेदर कैन फिनिश दैट वर्क इन। हमारा जो पर्सन ए है, अगर हम पर्सन ए एंड पर्सन बी को हम एफिशिएंसी जो है पर्सन ए एंड पर्सन बी एफिशिएंसी अगर हम सपोज कर लें ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो हमारा जो पर्सन ए है वो कितना वर्क कर रहा है, 1.5 विच बी कैन डू इन 1 डे। तो ये हमारा ये रिलेशन आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1.5 × बी, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू 3/2 बी, ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एंड बी का रेशियो जो है एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, 3:2। ये हम मान लेते हैं एक्सप्रेशन 1 है हमारा। पर्सन बी है, इसी वर्क को अगर अकेले करेगा तो 18 डेज में कर ले रहा है, और हमको बताना है कि टुगेदर वो वर्क कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे। तो पर्सन ए की अगर एफिशिएंसी हम क्या लिख सकते हैं, 3x यूनिट पर डे, एंड पर्सन बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2x यूनिट पर डे। तो टोटल वर्क अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पर्सन बी की एफिशिएंसी इंटू टाइम टेकन बाई बी टू कम्प्लीट एंटायर वर्क विच इज 18 डेज। अब टोटल वर्क कितना है हमारा, हो जाएगा 18 × पर्सन बी की एफिशिएंसी 2x, मीन 36x यूनिट जो है हमारा एंटायर वर्क हो जाएगा। तो हमको बताना है ए प्लस बी 36x यूनिट को करने में कितना टाइम लेंगे। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये हमारा 3x + 2x = 5x यूनिट पर डे जो है हमारा पर्सन ए एंड पर्सन बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। अभी हम टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टू कंप्लीट द एंटायर वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी विच इज ऑफ 5x। तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया, हमारा 36 / 5 डेज जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा जो है क्या दिया है, 36 / 5 डेज जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पर्सन ए एंड पर्सन बी जो है एंटायर वर्क को 36 / 5 डेज में जो है कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹5,290। ए एंड बी टुगेदर आर सपोज टू डू 19/23 ऑफ द वर्क एंड बी एंड सी टुगेदर 8/23 ऑफ द वर्क, देन ए शुड बी पेड। यहाँ पे ए बी एंड सी जो पर्सन है वो ₹5,290 के लिए जो है किसी कार्य को करते हैं, और उनमें ये सपोज किया जाता है कि ए एंड बी है जो 19/23, बी एंड सी जो 8/23 जो है वर्क कंप्लीट करेंगे। हमको बताना है कि ए का शेयर क्या होगा, ए को कितना पैसा मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज आप अपने नोट करके लिख लीजिए, और मनी इज शेयर इन द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई इच पर्सन। अगर पर्सन मान लीजिए ए बी एंड सी के बीच 3:4, ये हमारा क्या है, उनके द्वारा वर्क डन का रेशियो है, तो जो इनके बीच मनी शेयर होगा, मनी शेयर रेशियो क्या हो जाएगा, वो हमारा 3:2:4। इट मीन्स दैट वो जिस रेशियो में वर्क करेंगे उसी रेशियो में उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, इसी लॉजिक का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में और नया कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बस यही जानना था कि जिस रेशियो में वर्क करेंगे उसी रेशियो में उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे वर्क डन बाई ए प्लस बी ये कितना हो जाएगा हमारा, 19/23, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, गिवेन वर्क डन बाई बी प्लस सी ये कितना हो जाएगा, 8/23 गिवन।
तो ये हमारा एक्सप्रेशन वन सपोज कर लेते हैं और इसको एक्सप्रेशन सेकेंड। ठीक है, तो अगर वर्क डन बाय ए प्लस बी 19/23, तो हमारा वर्क डन बाय सी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय सी ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क माइनस 19/23। तो हमारा सी कितना वर्क करेगा, 4/23 यूनिट। ये हमने कहाँ से निकाला, एक्सप्रेशन वन का यूज करके। उसी प्रकार एक्सप्रेशन टू का यूज करके हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, वर्क डन बाय ए ये कितना हो जाएगा, टोटल वर्क विच इज 1 यूनिट माइनस वर्क डन बाय बी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा 8/23। ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 15/23 यूनिट। अभी हमें ए एंड सी के द्वारा वर्क कितना किया जा रहा है ये पता है, तो हमको जो है क्या निकालना है, बी कितना वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय बी ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क माइनस वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय सी ये हम कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 - 19/23 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/23 यूनिट। ये मालूम चल गया ए बी एंड सी कितना वर्क कर रहे हैं, तो रेशियो, तो वर्क डन रेशियो ए एंड बी एंड सी, अगर ये ए है ये बी है और ये सी है, ए रेशियो बी रेशियो सी हमें निकालना है, तो ए हमारा कितना वर्क कर रहा है, 15/23 रेशियो बी 4/23 रेशियो 4/23 ये हमारा क्या हो गया, 15:4:4। तो मैंने बोला जिस रेशियो में वर्क करेंगे उसी रेशियो में क्या होगा, हमारा मनी जो है शेयर किया जाएगा, तो हमको बताना है शेयर ऑफ ए, तो शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए का शेयर क्या हो जाएगा, 15/23 इंटू टोटल मनी कितना है, 5290। तो यहाँ से आप 2 - 3 = 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 30 × 34, तो ये आपका हो जाएगा 3450 रुपीज़ जो है ए पर्सन का शेयर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ये यहाँ पे इजी थोड़ा क्वेश्चन था, अभी लैंग्वेज जो है और टेस्ट करके जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर आपने जो है पूरा लेक्चर देखा शुरू से अंत तक और आपने जो है एक टाइम वर्क डन का रेशियो निकाल लिया, तो आप जो है क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओगे। है हमारा ए कैन डू इन वन डे 3 times द वर्क डन बाय बी इन वन डे, दे टुगेदर फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 days, द नंबर ऑफ डेज बाय विच बी कैन डू द वर्क अलोन इज। हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा पर्सन ए है एंड पर्सन बी है, अगर हम इनके बीच रेशियो ऑफ एफिशिएंसी निकालें, तो हमें क्या दिया है, पर्सन ए है एक दिन में 3 times वर्क कर रहा है पर्सन बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 3:1। पर्सन बी अगर 1 यूनिट कर रहा है तो पर्सन ए जो है 3 यूनिट वर्क कर रहा है, तो यहाँ से ए की एफिशियंसी हमारी क्या हो गई, 3x, पर्सन बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, x यूनिट पर डे यूनिट पर डे। क्वेश्चन में आगे दिया है कि ए एंड बी जो है 2/5 ऑफ द वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, 9 days में, तो ए प्लस बी का अगर हम एफिशिएंसी लिखें तो ये क्या हो जाएगा, वर्क कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट 9 days, तो ये हमारा हो जाएगा 2/45 यूनिट पर डे, ये हमारा हो गया वर्क कंप्लीटेड। तो हम यहाँ से ए एंड बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको एक्स की वैल्यू क्या है पता चल जाएगी, तो ए की जगह हम 3x रखेंगे, बी की जगह एक्स इज इक्वल टू 2/45, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स आप निकालेंगे तो ये 1/90 यूनिट पर डे। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी, बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमको बताना है नंबर ऑफ डेज बाय विच बी कैन डू द वर्क अलोन इज, तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द एंटायर वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी,
टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हमने सपोज किया है पहले ही, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक्स यूनिट पर डे, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/90। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो गया, 90 डेज। तो हमारा पर्सन बी जो है टोटल वर्क को 90 डेज में कंप्लीट कर लेगा, तो ऑप्शन वन हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8, ए एंड बी वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ अ जॉब इन 7 डेज, हाउ एवर 37/100 ऑफ द जॉब वॉज ऑलरेडी डन, ऑल्सो द वर्क डन बाई ए इन 5 डेज इज इक्वल टू द वर्क डन बाई बी इन 4 डेज, हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाई द फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए एंड बी की एफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम बता चल सकेंगे कौन सा पर्सन जो है पहले वर्क कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद हम उस पर्सन के द्वारा लिया गया टाइम जो है हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है जो वर्क डन बाय पर्सन ए है इन 5 डेज है वो कितने के इक्वल है, पर्सन बी के द्वारा 4 डेज में किया गया वर्क इक्वल है। तो लेट ए एंड बी डिनोट एफिशिएंसी ऑफ पर्सन ए एंड पर्सन बी रिस्पेक्टिवली। ये हमारा क्या हो गया, पर्सन ए एंड पर्सन बी की एफिशिएंसी हो गई। तो पर्सन ए 5 डे में कितना वर्क करेगा, 5 A यूनिट, और पर्सन बी जो है हमारा 4 डे में कितना वर्क करेगा, 4 B यूनिट। ये हमें क्या दिया है, दोनों इक्वल दिया है। ये हमारा तो यहाँ से क्या मिल गया, ए एंड बी की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया जो 4:5 है। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4x यूनिट पर डे, एंड पर्सन बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 5x यूनिट पर डे। पर्सन ए एंड पर्सन बी जो है वर्क टुगेदर कितने टाइम कर रहे हैं, 7 डे में, जो रेस्ट ऑफ वर्क जो है हमारा बचा हुआ है। तो हमारा जो है वर्क डन बाई ए प्लस बी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क माइनस 37/100 वर्क विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो टोटल वर्क 1 यूनिट माइनस 37/100 वर्क, ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, 63/100 यूनिट। ये वर्क हमारा जो है पर्सन ए एंड बी जो है टुगेदर कंप्लीट करने वाले हैं इसे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पर्सन ए प्लस पर्सन बी की एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, 4x+5x इज इक्वल टू 9x यूनिट पर डे। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा ए एंड बी जो रिमेनिंग वर्क बच रहा है 37/100 करने के बाद, वो 7 डे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें जो है टोटल वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 7 डेज पता है, तो हमारा ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 63/100/7। तो ये हमारा कितना हो गया, 9/100 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/100 यूनिट पर डे। अभी हमें एक्स की वैल्यू पता हो गई, तो हमारे पर्सन ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/25 यूनिट पर डे। पर्सन बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/20 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, पर्सन बी की जो एफिशिएंसी है वो पर्सन ए के एफिशिएंसी से ज़्यादा है, यानी पर्सन बी हमारा जो है क्या है, वर्क पहले करेगा, ये फास्ट है। तो हमें बताना है कि टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द एंटायर वर्क अलोन। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क विच इज 1 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी विच इज 1/20। तो ये हमारा 20 डेज। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन वन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 डेज। तो हमारा पर्सन बी जो है अलोन 20 डेज में वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। ये हमारा जो कोर्स है ये SSC CGL, MTS CHSL, बैंक और रेलवे ग्रुप डी NTPC की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप अगर यहाँ से यहाँ जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। अभी हम केवल मैथ का कोर्स हम स्टार्ट किए हैं, हम जो है फ्यूचर में जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर वाइज कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर में जो है हम हर सब्जेक्ट का कोर्स क्या है, कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 9 है, ए कैन डू अ सर्टन जॉब इन 12 डेज, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, देन बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन। तो यहाँ पे हमें दे रखा है बी जो है हमारा 60% मोर एफिशिएंट, यानी
160% जो है ए है। यहाँ से बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 डिवाइड बाई 100 इंटू ए हो जाएगा। आप इससे एट जा फिफ जा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5। ये आपका क्या होगा, ए एंड बी के एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। तो जो हमारा पर्सन ए है वो 12 डेज में क्या कर रहा है, एंटायर वर्क को कंप्लीट कर ले रहा है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए विच इज 5x इंटू टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट एंटायर वर्क 12 डेज। ये हमारा 60x यूनिट जो है हमारा एंटायर वर्क हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी 5x यूनिट पर डे एंड बी की एफिशिएंसी 8x यूनिट पर डे। हमें बताना है कि बी जो है कितने टाइम में जो है सेम वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट सेम वर्क, टोटल वर्क 60x डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी विच इज 8x। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया तो हमारा ये कितना हो गया, 15 डिवाइड बाय 2 डेज। तो पर्सन बी है हमारा जो है 15 अपॉन 2 डेज में जो है सेम पीस ऑफ वर्क क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे से समझना है। ऊपर हमने जो क्वेश्चन दिया था वहाँ पे जो टाइम की बात की गई थी वो वन डे टाइम की बात की गई थी कि एक दिन में, तो वहाँ पर हमको जो है एफिशिएंसी निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो वन ना होके वो कुछ अलग है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ नया सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 टाइम ऑफ द टाइम, इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कम्प्लीट अ वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, लेट बी कंप्लीट दी वर्क इन एक्स डेज। हम सपोज कर लेते हैं जो हमारा पर्सन बी है एक्स डे में टोटल वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देन वर्क डन बाई ए इन 3/4 एक्स डे में, क्योंकि 3/4 टाइम में जितना का वर्क कर रहा है बी, ए क्या कर रहा है, हाफ वर्क कर रहा है। तो देन वर्क डन बाय ए इन 3x अपॉन 4 डे में कितना हो जाएगा, हाफ यूनिट वर्क कर रहा है, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। तो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वर्क, टू कंप्लीट एंटायर वर्क, और एंटायर वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा 1 यूनिट हमने सपोज कर लेते हैं, तो हाफ यूनिट कर चुका है। और डबल यूनिट करने में कितना टाइम लेगा, 2 × 3x/4। हाफ वर्क करने में 3x/4 टाइम ले रहा है तो फुल वर्क करने में कितना लेगा, 2 टाइम हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3/2x डेज। एंड क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो पर्सन हमारे ए एंड बी हैं वो 18 डेज में क्या कर रहे हैं, एंटायर वर्क को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर ले रहे हैं। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट एंटायर वर्क 3x/2 प्लस पर्सन बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टोटल वर्क विच इज 1 यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज विच इज वी हैड सपोज एक्स यूनिट एक्स डेज। तो यहाँ पे एक्स पुट करेंगे इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा, कितने के इक्वल, 1/18 के इक्वल हो जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की अगर हम एफिशिएंसी लिखें तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वर्क विच इज 1 यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट एंटायर वर्क विच इज 18 डेज, 1/18 यूनिट पर डे। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/3x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/18। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आपका क्या आएगा, 5/3x इज इक्वल टू 1/18। ये हमें क्या दे रहा है, 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 30 डेज। और हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, हमें बताना था कि जो पर्सन हमारा बी है वो टोटल वर्क को जो है अगर अकेले करेगा तो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा।
तो हमने उसको क्या सपोज किया था, एक सपोज किया था, उसके बाद हमने जो है फॉलोइंग स्टेप जो है हमने फॉलो किए और हमको क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई। तो ये एक्स हमारा क्या है, 30 डेज। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है 30 डेज, ऑप्शन वन हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको जो है पिछला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, और समझ में आया तो इस क्वेश्चन को जो है खुद से सॉल्व करिए। यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ, आपको यहाँ पे क्या मानना है कि लेट टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट एंटायर वर्क कितना मान लेना है आपको, एक्स। इसके बाद हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जो स्टेप किए थे आपको वही स्टेप करना है, आपको जो है एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और वो एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज जो है हम लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, कि हाँ इस चैनल पे जो मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप इस आपको क्या करना है, आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लर्निंग।